साइंस फिक्शन बुक विच इंस्पायरिंग हिम टू लीव अ लेगेसी इन द वर्ल्ड अब सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट है वो पास्ट टेंस में है अब मैम आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट टेंस में है बच्चा यहां पर लगा हुआ है फाउंट राइट right? तो ये आपका जो सेंटेंस है वो किस में है सिंपल पास्ट टेंस में राइट right. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे आगे चलकर इंस्पायरिंग लिखा हुआ है इंस्पायरिंग जो है ये कंटिन्यूस टेंस में आता है यहाँ पर आपका इंस्पायर्ड आएगा राइट इंस्पायर्ड वर्ब की जो है आपकी ईडी हम यूज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा कुछ इस हिसाब से बनेगा he found comfort in fantasy and science fiction books which inspired him to leave a legacy in the world to yahan pe jo aapka error hai wo part number 2 mein hogi to yahan par b will be the right answer right Past tense में था इसीलिए हमने जो है स्टार्टर में हमने ये देख लिया कि वर्ब जो है वो आपका uh, past simple past tense में है तो so, आगे भी हम जो है simple past tense ही use करेंगे ना थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स कवर हो सकता है आज डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर